अगर आप टाटा एस से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा लोड ले जाने वाला पिकअप लेना चाहते हो तो टाटा इंट्रा V10 एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है। इंट्रा V10 को मार्केट में आए हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। जब से ये पिकअप मार्केट में आया है तभी से अच्छी खासी जगह अपने सेगमेंट में बनाए हुए हैं। इस वीडियो में इंट्रा V10 के बारे में सारी बातें हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप देख रहे हैं मोटर एक्सप्लेन। इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक के बारे में बात कर लेते हैं, जो एक ट्रक वाली फील देता है। सामने मिल जाती हैं दो बड़ी बड़ी हेलोजन हेडलाइट, उसी से जुड़े मिल जाते हैं इंडिकेटर, V10 की ब्रांडिंग, इंट्रा पिकअप की ब्रांडिंग, लाइटों के बीच में क्रोम, क्रोम के साथ में टाटा का लोगो और शानदार ग्रिल, नीचे की तरफ स्टील का बम्पर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगाने के लिए जगह मिल जाती है, काफी बड़ी विंडशील्ड इसमें मिल जाती है, उसको साफ रखने के लिए 2 वाइपर। इंजन की अगर बात करूं तो इसमें 798 cc 2 सिलेंडर वाला डीजल इंजन मिल जाता है, जो 44 HP की पावर और 110 Nm का टॉर्क देता है। आगे बढ़ते हैं, इसके केबिन के बारे में बात हम कर लेते हैं, उसके बाद इसके डाले के साइज, लोड, कीमत और बाकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। गाड़ियों वाला डोर हैंडल यहाँ पर मिलता है, बोतल रखने के लिए जगह मिल जाती है, दरवाजे को लॉक अनलॉक करने के लिए स्विच, टाटा के लोगों के साथ में पावर स्टीयरिंग यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर देखने को मिलती है फुली डिजिटल स्क्रीन, जिसमें आप स्पीड, किलोमीटर्स, रेंज, टाइम, कितना तेल बचा हुआ है आराम से आप चेक कर सकते हो। म्यूजिक सिस्टम और एसी के लिए जगह यहाँ पर मिल जाती है। कैबिन के अंदर आराम से आ सके उसके लिए हैंडल मिल जाता है। स्टैंडर्ड सीट यहाँ पर मिलती है अच्छे मटेरियल के साथ में। इंट्रा V10 की इको मोड का स्विच, 5 गियर यहाँ पर मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट, जरूरी कागज वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है, काफी बड़ी को ड्राइवर सीट यहाँ पर मिलती है, IRVM, सनवाइजर, रीडिंग लैंप, काफी मजबूत कैबिन छत यहाँ पर मिलती है, हैंड ब्रेक, वॉक थ्रू कैबिन यहाँ पर मिलता है, इधर से उधर आराम से आया जा सकता है। काफी शानदार कैबिन टाटा ने इंट्रा V10 में दिया है। 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाती है, जिसकी वजह से ये खराब रास्तों को आराम से पार कर लेता है। काफी कम वेल्डिंग जॉइंट्स इसकी चेचेस में दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी चेचेस काफी ज्यादा मजबूत बन जाती है। 165 R14 LT यानी कि 14 इंच के टायर इसमें मिल जाते हैं। डाले की लंबाई और चौड़ाई के बारे में अगर बात करूं तो लंबाई है इसकी 8 फीट 2 इंच की, चौड़ाई है 5 फीट 3 इंच की। पेलोड कैपेसिटी है इसकी 1 टन की। रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं, टाटा की बैजिंग, नाइट रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिल जाते हैं, स्टेपनी की जगह यहाँ पर मिल जाती है, लीफ सस्पेंशन यानी कि कमानी पट्टे यहाँ पर दिए गए हैं, जो 1000 किलोग्राम वजन को ले जाने के लिए इसको सक्षम बनाते हैं। डेफ टैंक यानी कि यूरिया का टैंक यहाँ पर मिल जाता है। एक्साइड की बैटरी इसमें मिल जाती है। टाटा इंट्रा V10 की लंबाई और चौड़ाई के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, तो लंबाई है इसकी 4282 mm की, चौड़ाई है 1639 mm की, ऊंचाई है 1921 mm की, टर्निंग रेडियस है इसका 4750 mm का। ब्रेक की अगर बात करूं तो इसमें फ्रंट में मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक, रियर में मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 30 लीटर की। चेजिस की अगर बात करूं तो ये चेजिस विद केबिन ऑप्शन के साथ में ही आता है। मैक्सिमम स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की। एडजस्टेबल ड्राइवर सीट यहाँ पर मिल जाती है, अपनी हाइट के अनुसार आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब हम इसकी कीमत के बारे में बात कर लेते हैं, तो यूपी के अंदर टाटा इंट्रा V10 की एक्स शोरूम कीमत शुरू होती है 7,28,000 रूपए से लेकर 7,51,000 रूपए। अगर आप ये वीडियो यूपी जिला हापुड़ से देख रहे हैं तो खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं इरशाद शेफी आपसे अलविदा लेता हूं। अधिक जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलता हूं आने वाली अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय सुबह धन्यवाद।